हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है टॉप लोड कैटेगरी से। आज हम बात करेंगे बॉश के 2022 के अंदर नई टॉप लोड रेंज के बारे में। एंड इस साल बॉश ने अपने इस टॉप लोड रेंज के अंदर प्रीवियस जनरेशन के कंपैरेटिवली बहुत सारे चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कई एडवांस टेक्नोलॉजी, कई एडवांस फीचर, एक नया रिफाइंड लुक आपको सारे मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस टॉप लोड कैटेगरी के अंदर कस्टमर हमेशा एक मशीन सर्च करता है जिसमें आपका पानी गर्म, यानी कि हीटर वाला मशीन। तो टॉप लोडिंग के अंदर अभी इंडिया के अंदर काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन थे, कुछ लिमिटेड ब्रांड्स ही उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं या वो मशीन बना रहे हैं। तो बॉश ने भी टॉप लोड कैटेगरी के अंदर अपना हीटर वाला मशीन फाइनली लॉन्च कर दिया है। तो कुछ एक मॉडल आज मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक बार हम लोग इस बॉश का कंप्लीट रेंज हम आज चेकआउट कर लेते हैं। तो ये चार मॉडल मेरे सामने 6.5 कैटेगरी के अंदर है, जिसमें पहला मॉडल है मैरून कलर का, सेकेंड आपको मिलेगा सिल्वर कलर, थर्ड इसमें आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा जो काफ़ी डिसेंट दिखता है लुक वाइज, एंड फोर्थ आपको डार्क ग्रे कलर देखने को मिलेगा। तो एक बार इनका क्लोज से लुक इन हम चेक कर लेते हैं। तो इस साल बॉश ने क्या करा है कि जो जितना भी उसका कंट्रोल पैनल है वो बैक साइड पर कर दिया है। लास्ट ईयर का अगर मॉडल से मैं कंपेयर करूँ तो लास्ट ईयर जो मॉडल था उसका फ्रंट पे पैनल था, इस बार उस पैनल को कंपनी ने बैक साइड पर कर दिया है। तो ये आप इसका पैनल आप देख सकते हैं, ये जॉब डायल के साथ आपको ये मॉडल देखने को मिलता है और ये सारे इसके फीचर्स हैं। 6.5 का ये कैपेसिटी है इस मॉडल का, एंड अगर 6.5 के हिसाब से अगर आप अदर ब्रांड के कंपैरेटिवली देखते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें ड्रम का वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे तो काफ़ी वाइडर इसके अंदर ड्रम देखने को मिलेगा। ये इसका फ्रंट पे इसका मॉडल नंबर 5 रेटेड स्टीकर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, एंड ये बॉश की ब्रांडिंग फ्रंट पर आपको देखने को मिलेगी। सेम हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक डोर के साथ आपको देखने को मिलेगा ये मॉडल। देन ये आप देख सकते हो ये 6.5 केजी के चार मॉडल्स। देन 7 केजी के अंदर ये तीन मॉडल्स आपको देखेंगे मेरे सामने, जिसका ड्रम हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। एंड जिसमें डबल इनलेट आते हैं तो उसमें आपको हॉट एंड कोल्ड दो इनलेट साथ में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो आप मल्टीपल कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अगर गीज़र आपके पास अवेलेबल है तो आप हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर के साथ आप मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 6.5 और 7 केजी के अगर आप ओवरऑल इसका ड्रम का वॉल्यूम है मशीन का अगर आप पूरा डायमेंशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलती है। हल्का सा हाइट आपको 7 केजी की मशीन के आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट जैसे अदर ब्रांड में क्या होता है कि 6.5 या 6 केजी का मशीन एकदम बिल्कुल छोटा आपको देखने को मिलता है, तो उस तरीके का मशीन आपको बॉश में देखने को नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं पूरा रेंज। और इस 7 केजी की नई टॉप लोड मशीन का अगर हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं तो एक्सपर्ट केयर सीरीज़ का ये मॉडल है 7 केजी के अंदर, जो कि ये मैरून कलर के लुक में आपको मॉडल देखने को मिलेगा। इसका अगर मैं मॉडल नंबर की बात करूँ तो WOI703MOIN इसका मॉडल नंबर है, एंड इसको मैं मशीन आपको अंदर से भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये वाइडर काफ़ी टफ इसका है, तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको वॉशिंग क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस इस मशीन के साथ आपको डबल इनलेट देखने को मिलते हैं, तो दो पाइप आपको इसमें मिल जाते हैं, एक हॉट एंड कोल्ड। इस मशीन का अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो हॉट एंड कोल्ड दो इनलेट आपको देखने को मिलेंगे, एंड मेड इन इंडिया का ये प्रोडक्ट है, तो ये मशीन अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है। एंड इस मशीन का अगर मैं मोटर वोल्टेज की बात करूँ तो 450 वोल्टेज का इसमें पावरफुल मोटर देखने को मिलता है, तो इतना हैवी मोटर जनरली आपको अदर ब्रांड्स में देखने को नहीं मिलता है। तो एक बार इस मशीन को हम लोग ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसका टच कंट्रोल पैनल के साथ आपको ये मशीन यहाँ पर ऑन हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट मशीन ऑन करते ही जो ये प्रोग्राम चूज़ करता है वो स्मार्ट साइज का चूज़ करता है, तो मतलब अपने आप ही ये प्रोग्राम मशीन आपको साइज करती है। यानी इस प्रोग्राम के अंदर मशीन आपको दिखा रहा है कि वाटर का लेवल दिखा रहा है और कोल्ड टेम्परेचर इसमें आप कोल्ड दिखा रहा है, तो उसको अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँ तो यहाँ पर आप इसको टेम्परेचर को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। रिंस इसमें आपको दो बार दिखा रहा है, रिंस को अगर आपने 3 करना है तो आप रिंस को भी आप चेंज कर सकते हो। प्लस जो फाइनल स्पिनिंग आपको दिखा रहा है तो नॉर्मल, जेंटल, या आपको ज़्यादा बिल्कुल ड्राई करना है या सेमी ड्राई से हम बेसिकली कहते हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हो। तो ये इसका आप नेक्स्ट प्रोग्राम है क्विक वॉश का, जो कि आपका 35 मिनट्स का प्रोग्राम है। तो अगर कुछ कम गंदे कपड़े आपके पास हैं या लोड कम है तो आप क्विक वॉश वाले प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हो। वाटर लेवल भी इसमें आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, तो वाटर लेवल जैसे आप चेंज करेंगे तो उसका टाइमिंग भी चेंज होता रहता है। टेम्परेचर इस वाले मोड पर आपको सिर्फ कोल्ड देखने को मिलेगा। रिंस इसमें आप एक ही कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि ये बेसिकली कम लोड का प्रोग्राम है और नॉर्मल इसमें रहेगा तो इसमें आप इसको बढ़ा नहीं सकते। देन मिक्स का प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें 1 घंटा 2 मिनट का,
और यहाँ पर आप वॉश टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक कितना गंदा कपड़ा है, लाइक इंटेंसिव है, नॉर्मल है, माइल्ड है, तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। प्लस आप अगर आप चाहते हो कि मशीन के अंदर आप कपड़ा सोक करना, तो सोक को भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो मशीन वहाँ पर आप 15 मिनट्स के लिए सोक का आप कर सकते हो ऐड। डिले वॉश मिलता है, तो डिले वॉश के अंदर आप एक घंटे से लेकर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आप चाहते हो कितने देर बाद ये मशीन आपका ऑन हो जाए। तो ये सारा मॉडिफिकेशन आप बेसिकली मशीन के अंदर कर सकते हो। जिस तरह से जीन्स के प्रोग्राम में 53 मिनट्स का ही टाइम लग रहा है, बेडशीट के लिए प्रोग्राम दिया गया है। टब क्लीन, जब ये मशीन आप 30 दिन यूज़ करते हैं तो आपने एक बार इस प्रोग्राम को रन करना पड़ता है, टब क्लीन करके पूरा क्लीन हो जाता है। और जब ये मशीन आप लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करो, 3 महीने बाद आपको यही प्रोग्राम दोबारा रन करना है, और इसको टब को क्लीन करने के लिए आपको डी स्केलर का पाउडर यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जितना भी इसका स्टील का ड्रम है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। तो हर 3 महीने में आप टब क्लीन करेंगे डी स्केलर की हेल्प से। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें डेलीकेट का, कॉटन 30 डिग्री का इसमें प्रोग्राम है। कॉटन 30 डिग्री का प्रोग्राम बेसिकली मतलब इस वाले मॉडल में हीटर नहीं है। ये कॉटन 30 का मतलब है कि ये जब मशीन फैक्ट्री लेवल पे टेस्ट हुआ था, तो उस टाइम जो वाटर का टेम्परेचर का वो था वो 30 डिग्री का था, तो इसलिए वो वाटर 30 डिग्री लिखा हुआ है। देन वाइट के लिए सेपरेट प्रोग्राम है, ये आपका सिंथेटिक के लिए। तो ओवरऑल लुक वाइज एंड इसमें मॉडल में कस्टमाइजेशन आपको काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाती है। सेमी एंड फुली दोनों तरीके से आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। लाइक कई कस्टमर होता है कि जो ना एक बार मशीन जो कपड़ा वॉश किया तो उसी पानी को अगर आप रीयूज़ करना चाहो तो आप इस मशीन के अंदर कर सकते हो। तो ये कुछ इसके प्रोग्रामिंग्स एंड ओवरऑल इसका ओवरव्यू था इस मशीन का, इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। इसी 7 kg के अंदर ये एक्सपर्ट सीरीज़ का आपको ये 7 kg का मॉडल है व्हाइट कलर में। इसका व्हाइट कलर का लुक बड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत प्यारा लुक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो लुक वाइज एक अलग ही डिफरेंट अपील करता है ये मॉडल, तो इस वाले मॉडल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड इस मशीन का एक और एडवांटेज है, अगर आपको ये मशीन एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है हर वॉशिंग के बाद, तो पीछे से आपको ये हैंडल्स देखने को मिलते हैं एंड इसके बैक साइड में आपको 2 व्हील्स देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप इसको मशीन को आप मूव करा सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, ये इस तरीके से ये मशीन आप मूव करा के इधर से उधर इसको कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें बेनिफिट है कि मतलब व्हील्स का सिस्टम आपको बैक साइड पे देखने को दिया है, बट जब ये मशीन खड़ा रहेगा तो ये व्हील्स मतलब वाइब्रेशन के लिए या किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मशीन बिल्कुल स्टेबल खड़ी रहेगी। जब आप इसको बैक साइड में झुकाएंगे तब जाके वो व्हील्स फ्लोर पे टच होते हैं। प्लस इसका जो इनलेट पाइप मिलता है आपको, ये डिटैचेबल मिलता है, तो मतलब आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। मतलब ये अगर आपको उस टैप को किसी और काम के लिए यूज़ करना है तो बेसिकली ये आपका टैप पे कनेक्ट हो जाएगा, ये पाइप निकाल के आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी इजी इसका इंस्टॉलेशन। कई बार मशीन के अंदर ना कुछ एरर कोड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उस एरर कोड्स को डिकोड करने के लिए आपको जनरली इसका मैनुअल खोलना पड़ता था, बट बॉस ने क्या करा कि मशीन के ऊपर ये स्टिकर आपको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर इस तरीके के कुछ भी कोड्स आपको आते हैं मशीन के डिस्प्ले में, तो आप चेक कर सकते हो कि बेसिकली ये कोड क्यों आ रहा है, तो क्या इशू आपकी मशीन में आ रहा है। तो उसको या तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो अपने आप से, या फिर आप कस्टमर केयर पे बात करके आप इंजीनियर को भी घर पे बुला सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था एक ओवरव्यू बॉश के न्यूली लॉन्च टॉप लोड रेंज का। इसी में अभी अपकमिंग मॉडल्स के अंदर आपको इनबिल्ट हीटर भी देखने को मिलेंगे। तो अभी वाला जितना भी ये रेंज आपके सामने मार्केट में आपको दिखेगा, ये नॉन इनबिल्ट हीटर वाला है। तो हीटर वाला रेंज भी मार्केट में जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल लुक वाइज की बात करें, इनका बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो काफ़ी सुपीरियर है एंड प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे मॉडल्स का बाइफरकेशन एंड उसका प्राइस मैं मेंशन कर दूंगा, तो एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो उन सारे मॉडल्स को और प्राइसिंग को। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके की इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। इस प्रोडक्ट्स, इस टॉप लोड कैटेगरी रेंज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके मन में होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके उस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करने का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।